अभी हमने जो बात की थी वो हमारे पास ये था कि हमारे पास स्पेशल फिल्टरिंग के अंदर गिवन इमेज है और एक फिल्टर है और हमने उनका समा प्रोडक्ट्स लेके इमेज की क्वालिटी को इम्प्रूव करना। अब हम इसके अंदर ये देखते हैं, एक पर्टिकुलर एग्जांपल देखते हैं जिसके अंदर हमारे पास कुछ गिवन वैल्यूज हो और वो जो गिवन वैल्यूज हैं वो हमारे पास इमेज के सब इमेज की भी हो या सब पार्ट की भी हो और इसी तरह कोफिशिएंट्स हो एक स्पेसिफिक फिल्टर के। फिर हम क्या करें, फिल्टर को उठाएं, कोफिशिएंट्स को उठाएं, इमेज के ऊपर मैप करें और इमेज की क्वालिटी को इम्प्रूव करें। इसमें एक बड़ी जो क्लासिकल एग्जाम्पल है दैट इज ऑफ एवरेज फिल्टर। एवरेज, एवरेज का मतलब क्या होता है, चीजों को जमा कर देना। अब अगर मैं आपसे कहता हूं कि यार मेरे पास एक इमेज है या एक फिल्टर है, लेट्स से ये फिल्टर सॉरी, और इसके कोफिशिएंट्स हैं सारे 1 1 1 1 1 1 1, अगर मैं चाहता हूं यार कि इनके अंदर इन सब की जो है ना, जो हम लेट्स से वेटेज लेना चाह रहे हैं या हम इसको अप्लाई करना चाह रहे हैं किसी इमेज के ऊपर और इसको बराबर हिस्सों में हमने डिवाइड करना है, तो उसका तरीका क्या होगा? इसका तरीका ये होगा कि हम काउंट करेंगे कि इसमें टोटल नंबर कितना है, वो है 9, और फिर हम क्या करेंगे, इसे सबको डिवाइड कर देंगे 1/9 से जो मैंने यहाँ पे फिल्टर बनाया। इस चीज को देख के आपको कोई और फिनोमेना याद आता है जो हमने पिछली स्लाइड्स में या पिछले लेक्चर्स में कवर किया? वो था नॉर्मलाइजेशन का। जब हमने हिस्टोग्राम्स को इक्वलाइज किया था तो हमने क्या कहा था कि जो टोटल नंबर ऑफ एंस हैं उससे आप मल्टीप्लाई कर देते हैं गिवन वैल्यू को। तो तकरीबन ये वही कंसेप्ट है कि आप क्या करते हैं कि जो आपके पास टोटल नंबर है 9 का उससे आप डिवाइड कर देते हैं हर इंडिविजुअल पिक्सल को। एनी हो, तो हमारे पास है क्या कि जब हम एवरेज फिल्टर की बात करते हैं तो वी टेक एवरेज ऑफ ऑल द पिक्सल्स इन द नेबरहुड अराउंड द सेंट्रल वैल्यू। इट इज स्पेशली यूजफुल व्हाइल रिमूविंग नॉइज फ्रॉम द इमेजेस एंड सिमिलरली इट इज यूजफुल फॉर हाइलाइटिंग ग्रॉस डिटेल्स। ग्रॉस डिटेल्स का क्या मतलब होता है? ग्रॉस डिटेल्स का मतलब ये होता है इनर फाइनल डिटेल्स, नहीं ओवरऑल इमेज की डिटेल्स, जिसको देख के आप ओवरऑल इमेज को अंडरस्टैंड कर सकें, लेकिन इंडिविजुअल एलिमेंट्स में आप डिफरेंशिएट या फर्क नहीं कर पाते यूजिंग दिस फिनोमेना। अब इस एग्जांपल को शुरू करते हैं। ये हमारे पास गिवन इमेज है, जैसे हमने पहले कहा था इसमें एक्स कॉलम्स हैं, वाई रोज हैं और इस इमेज को f(x,y) से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। अब ये पर्टिकुलर एग्जांपल है सेम उसी तरह जैसे हमने पहले यहाँ पे इसको लेट्स से आई का कह दिया था या f(x,y) कह रहे थे। अब यहाँ पे इसकी कुछ वैल्यूज हमने डाल के देखी हैं, वो वैल्यूज हैं ये वाली जिसमें 106 मिडल में, 104, 100, 108, 99, 90, 95, 99 एंड 85, ये ओरिजिनल इमेज की पिक्सल वैल्यूज हैं। अब हम जो करने लगे हैं, हम क्या करेंगे, इसको स्पेशल फिल्टरिंग करेंगे विद अ फिल्टर विच हैज वैल्यूज ऑफ 1/9, 1/9, 1/9, जो अप्लाई करने के बाद वैल्यू आएगी, जो भी वैल्यू आएगी उससे रिप्लेस कर देंगे 106 को। आइए देखते हैं करके। ये हमारे पास अगेन हुआ, ये मैंने फिल्टर की एग्जांपल दे दी, जैसे भी बताया था ये सारी वैल्यूज हैं वो 1/9 है। मेक सेंस? यस। अगेन अब ये यहां पे हमने इसकी मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करनी है, सम ऑफ प्रोडक्ट जिसको हम कहते हैं। अब क्या हुआ, 1/9 × 106 ये वाली वैल्यू प्लस 1/9 × 104 प्लस 1/9 × 100, 1/9 × 108 एंड सो ऑन, और ये वैल्यू आई 98.333। तो अब हम क्या करेंगे कि जो 106 है इसकी जगह क्या आएगा, 98.333। तो ये एक हमने एवरेज फिल्टर का एग्जांपल दिए जो बिल्कुल सिंपल सी है कि हमारे पास जो पिक्सल का या जो इमेज का सब पार्ट है उसको और ये फिल्टर हमारे पास है इसको मल्टीप्लाई किया, जो भी वैल्यू इन सारों की प्रोसेसिंग करके जो नेबर है इसके, जो इस केस में 8 नेबर्स हैं, उसके बाद जो वैल्यू आती है जो 98.3333 या 98.34 होगी उससे इस वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे। तो ये एक एवरेज फिल्टर की सिंपल सी एग्जांपल है जिसके लिए अब मैं एक टर्म यूज करना चाहूंगा, हम कहते हैं स्मूथिंग फिल्टर भी जिसे कहते हैं। अब यहाँ पे डिस्कशन बनती है व्हाई स्मूथिंग फिल्टर, और यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछना चाहूंगा कि एवरेज जो है क्या है, ये अच्छा मैकेनिज्म है? इसका आंसर ये है कि एवरेज जो है वो क्या करता है, चीजों को ब्लर कर देता है। बेसिकली अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास एक क्लास है जिसमें 15 स्टूडेंट्स हैं और मैं कहता हूँ यार इन सबकी जो एवरेज है ना, वो ये सारे जो है एवरेज स्टूडेंट हैं, सबके नंबर करीब करीब हैं, तो इसका इफेक्ट क्या होगा कि सारी चीजें ब्लर हो जाएंगी, हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकेंगे हाई क्लास में, लो क्लास में, मिडिल क्लास में। लेकिन इसका इफेक्ट क्या होगा कि ग्रॉसली, यानी कि अगर आपने एक ही चीज को ओवरऑल बताना है तो हम बता सकते हैं कि यार इसकी एवरेज ये है, तो इससे अंदाजा हमें हो जाएगा कि इस क्लास की कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी अच्छी क्लास है ये। सेम वही कंसेप्ट है कि स्मूथिंग क्या करती है, इमेज पिक्सल वैल्यूज को स्मूथन अप कर देती है, उनकी इनर डिटेल्स छुप जाती हैं लेकिन ओवरऑल इमेज जो है वो बेहतर नजर आता है। तो आपने अब इस पे खुद भी थोड़ा सा देखना है कि ये स्मूथिंग, ये एवरेज फिल्टर जो है ये क्यों इतना ज्यादा पॉपुलर है और क्यों इसके एडवांटेजेस क्या हैं, प्लस इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं।
अपने कमेंट्स को हमारे वीडियो के ऊपर भी लिखिएगा और इसके हम जवाब भी आपको वापस देंगे कि डू वी एग्री विद दिस और नो। अगर हम एग्री करते हैं तो भी हम बताएंगे उसकी रीजन क्या है, और अगर एग्री नहीं करते तो भी हम उसकी रीजन भी बताएंगे। तो ये अब आपने याद रखना है कि आपने देखना है कि स्मूथिंग फिल्टर के क्या फायदे। एक बड़ा अच्छा तरीका होता है जब भी आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए, वो क्या होता है? वो होता है कंपैरेटिव स्टडी। कंपैरेटिव का मतलब क्या होता है कि अगर आपको मैं कहता हूँ यार एवरेज फिल्टर अच्छा है या बुरा, तो आप देखोगे इसके कंपैरेटिव कौन कौन से हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एवरेज की बात करूँ तो आपके फोन जहन में आता है कि स्टैटिस्टिक्स में और कौन से मेजर हैं, जैसे कुछ हमने पहले बताए थे मिनिमम मैक्सिमम मीडियन मोड स्टैंडर्ड डेविएशन वेरियंस। तो एक तरीका ये हो सकता है कि आप कंपेयर करो कि एवरेज जो है वो अच्छा फिल्टर है बनिस्बत बाकी फिल्टर्स के, या एवरेज जो है वो बुरा फिल्टर है बनिस्बत बाकी के, या इस तरह कंपेयर कर देंगे किसके मुकाबले में एवरेज बेहतर है किसके मुकाबले में एवरेज बेहतर नहीं है। इसे कहते हैं कंपैरेटिव स्टडी। तो इन लाइनों पे आप सोचिएगा कि जब भी आपसे कोई बात की जाए किसी चीज के बारे में पूछा जाए, एक तो आप डायरेक्ट उस चीज को डिफाइन करो, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज बताओ और उसे कंपेयर करो बाकी उसके काउंटर पार्ट से। तो ये बड़ा अच्छा तरीका होता है किसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए।